बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मियां अली बशीर, साबिक जनरल सेक्रेटरी शेखपुरा बार, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लेटफार्म से बात। हमारे शहर शेखपुरा के MNA वफाकी वजीर जुवेद लतीफ़ ने 2-3 दिन से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उसने आलम इस्लाम के लीडर इमरान खान को निशाना बनाया है। ये उस शख्स के बारे में बात कर रहा है जिसने अक़वाम आलम में इस्लामी फोबिया डे मंजूर करवाया, जिसने कफार में जाके अपने अल्लाह और उसके के रसूल की बात की, जो कहता है दीन सिर्फ एक ही है जो अल्लाह और मेरे रसूल का है। ये उस शख्स के खिलाफ बात कर रहा है जिसने रहमत लिल आलमीन कमेटी का इजरा किया। ये उस शख्स के खिलाफ बात कर रहा है जिसने 10वीं जमात तक कुरान पाक को लाजमी करार दे दिया। ये उस शख्स के खिलाफ बात कर रहा है जो पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना चाहता है। ये घटिया शख्स जिसका अपना कोई किरदार नहीं है, सबको पता है ये मैट्रिक पास इंसान जो बगैर थाने के SHO लगा हुआ है, जिसने अपनी बाकी डिग्रियों को कैसे इस्टेब्लिश किया हुआ है, ये सब जानते हैं। ये बाज ही नहीं आ रहा, ये कभी पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, कभी पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की बात करता है। आजकल जिस ये मौजू पर लगा हुआ है, ये अपने दुनियावी खुदाओं को खुश कर रहा है। जब इसके माई बाप जो लंदन में बैठे हुए हैं, जब वो बयान देते थे हिंदुओं को, जिस खुदा को आप पूछते हो हम उस खुदा की इबादत करते हैं, तब इसका इस्लाम कहाँ था, तब इसका मजहब कहाँ था, तब ये खामोश क्यों था? ये सिर्फ एक सियासी कार्ड खेल रहा है, ये पाकिस्तान को तकसीम करना चाहता है, ये मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहता है। ना इसका कोई दीन से तल्लक है, ना कोई मजहब से, इसमें इंसानियत है ही नहीं। ये एक चोर डाकू है, इसने कब्जा करके अपना सब कुछ बनाया हुआ है। ना इसको अपने अबाओ जदाद का कुछ पता है, ना इसको आगे लेके चल रहा है। ये सिर्फ कुछ बंदों की खातिर, कुछ अपने आकाओं की खातिर ये सिर्फ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जा रहा है। हम इसे बिल्कुल शटअप काल देते हैं। मैं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पर जोर मजम्मत करता हूँ। ये इंसान कहता है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे रिसालत के पहरेदारों को, पासदारों को, कि इसको इमरान खान को हम माफ़ करते हैं आखिरी बार। ये नहीं जानता कि मुझसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरेदार तो इमरान खान है। हर जगह पे बात उन मुझसे रिसालत की इमरान खान करता है। इसकी इस बात से तरीके इंसाफ के वर्करों और पाकिस्तान में बहुत गम गुस्सा पाया जाता है। ये ना हो कि तरीके इंसाफ के वर्कर इसके घर का मुहासा करें, इससे पहले ये माफ़ी मांगे। हम इसके खिलाफ कानूनी है, उसका हक भी रखते हैं।